हाँ बच्चा कैसे हो। तो आज अपना मिड सेशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है ना, और इसमें हम लोग जूलॉजी वाला पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई डाउट रहा है तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन जो उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। आओ फिर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर फूड जो है उसके मेजर कंपोनेंट की बात की जा रही है, और आप लोग जानते हैं कि मेजर कंपोनेंट वो हैं जिनसे अपने को एनर्जी मिलती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट तो है, प्रोटीन है, लेकिन विटामिन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये तीनों ही जो है वो इसके मेजर कंपोनेंट होते हैं जिनसे डाइजेशन के बाद में मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड होती है। लेकिन यहाँ पर देखें इसमें वाटर आ गया, इसलिए अपना आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए भोजन जो है एक मूलभूत आवश्यकता है। दूसरा, फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। बिल्कुल सही है, ये भोजन से ऊर्जा भी मिलती और जो टिश्यू है उनकी रिपेयरिंग मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए कार्बनिक पदार्थ जो है वो भी इससे मिलते हैं, तो दूसरा भी ठीक है। फिर तीसरा देखें, एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद माउथ एंड इट ओपन आउट वेंट्रली थ्रू द एनस। नहीं, वेंट्रली की जगह यहाँ पर क्या होगा, पोस्टीरियरली, है ना। एंटीरियर जो है वो माउथ के लिए बात की गई और पोस्टीरियर साइड के लिए एनएस की बात की गई। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो वेंट्रल की जगह पोस्टीरियर आता तब ये सही हो जाता, इसीलिए ये वाला जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है ना। फोर्थ वाला स्टेटमेंट की जो मेजोरिटी ऑफ मैमल्स हैं उनमें डाइफायोडोन टाइप का डेंटेशन होता है, ये भी ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, ऑरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ, ओके, विच आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट। मतलब ओरल कैविटी के अंदर जो जो हैं उनके अंदर टीथ जो हैं उनके अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, और अगर वो बोन के अंदर एम्बेडेड है तो इस टाइप के डेंटेशन को बोलते हैं थीकोडोंट, थीकोडोंट। ठीक है, ओके, वही टीथ के अरेंजमेंट के रिलेशन में जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जो इन द ऑर्डर ऑफ, तो ये जो ऑर्डर है एनसीईआरटी का उसमें एनसीईआरटी लिखा है इंसिजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर, इंसिजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर, यानी ये वाले तो नहीं होंगे। ओके, उसके बाद में इज रिप्रेजेंटेड बाई, और इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो आप लोग जानते हैं कि डेंटल फॉर्मूला की अगर बात करें तो न तो अडल्ट में और न ही बच्चों में इस टाइप का डेंटेशन अपने अंदर है, तो इसलिए इसकी जगह अपना ये वाला स्टेटमेंट देखिए, बी वाला, डेंटल फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेड बाई डेंटल फॉर्मूला, तो अपना आंसर इसके अंदर परफेक्ट थर्ड हो जाएगा। भाई 2-1, 2-3 होता तब भी चल जाता, या 2-1 and 0-2 होता तब भी चल जाता, लेकिन वो मिल्की टीथ के लिए, लेकिन ऐसा तो दोनों ही जगह नहीं है ना, इसलिए अपन ने 2 के कंपैरिजन में थर्ड को ज्यादा करेक्ट मानते हुए ऑप्शन रखा। ठीक है, हार्ड चीविंग सरफेस जो है वो टीथ के उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, जो मेस्टिकेशन के अंदर हेल्प करती है, और वो जो है वो इनेमल होता है, जो ओरिजन में एक्टोडर्मल होता है, एमिलोब्लास्ट सेल इसको सिक्रेट करती है। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ओके, टंग इज नॉट ए ऑर्गन, नहीं, टंग जो है वो एक ऑर्गन है, इसलिए ये वाला भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग देखना। टंग इज अटैच्ड टू रूफ, नहीं, रूफ की जगह यहाँ पर क्या होता है फ्लोर, इसलिए ये वाला पार्ट भी जो है वो गलत हो गया। फ्रेनुलम जो है वो फ्लोर से टंग को कनेक्ट करती है। थर्ड वन, ए कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, है ना, इसका मतलब है यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, फेरिक्स की, यहाँ पर फेरिक्स की ग्रसनी की बात की जा रही है। ए कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर ओपन इनटू इसोफेगस एंड ट्रेकिया, नहीं, ये वाला गड़बड़ हो गया, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, उसमें ये लिखा है कि इसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू फेरिक्स, है ना, ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर ओपन हो रही, तो एनसीईआरटी की लाइन है और उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये वाला भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। और फोर्थ देखें, अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलाई, बिल्कुल सही, अपर जो सरफेस है उस पर टेस्ट पेपिलाई होती है, और या टेस्ट, और उन पेपिलाई जो हैं उनके अंदर टेस्ट बर्ड्स होती है।
तो कुछ पेपिलाइज के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग वो जो पेपिलाई है वो टेस्ट सेंसेशन के अंदर हेल्पफुल होती है ना। तो इसके अंदर जो करेक्ट वन है वो 4 हो जाएगा, बाकी के 3 जो वो गलत हो गए। और क्यों गलत हो गए आप लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग उसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेटमेंट को चेंज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, मतलब ट्रेकिया के अंदर फूड की एंट्री को प्रिवेंट करती है। तो आप लोग जानते हैं वो एपिग्लोटिस की बात की जा रही है। ओके, ऑड वन देखना है इसोफेगस के लिए। तो पहला है कि थिन एंड लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, इट एक्सटेंड एंटीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम। एंटीरियरली नहीं, इसकी जगह क्या होता, पोस्टीरियरली। फिर इट लीड्स टू जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, ये भी ठीक है। ए मस्कुलर स्फिंक्चर रेगुलेट इट्स ओपनिंग इनटू स्टमक, ये भी सही है। लोअर इसोफेगियल स्फिंक्चर इसको बोलते हैं, या गेस्टो इसोफेगियल स्फिंक्चर भी इसको कहा गया है ना। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ऑड वन कौन सा हो गया, सेकेंड, इसमें एंटीरियरली की वजह से रॉन्ग हो गया। स्टमक जो है उसके पार्ट्स की बात की जा रही है, और आप लोग जानते हैं स्टमक जो है उसके 4 पार्ट होते हैं, जैसे इसका कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडी वाला पार्ट और पाइलोरिक पार्ट, है ना। तो 3 वाला जो है उसको तो अपन नहीं लेंगे, कार्डियक, फंडिक, सर्विक्स तो वॉर्म से रिलेटेड है तो इसको अपन नहीं लेंगे। 4 मेजर पार्ट, कार्डिक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक, तो आंसर हो जाएगा 4। विच वन इज मेन सेंट्रल रीजन ऑफ स्टमक, अभी अपने जो डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल रीजन की बात करें, जो मेन रीजन है तो वो इसका कौन सा पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट। ओके, मैचिंग वाला है क्वेश्चन, सी शेप्ड की बात करें तो वो ड्यूडेनम हो जाएगी, यानी 1/3। लॉन्ग कॉइल्ड की बात करें तो वो हो जाएगा जेजुनम, एंड हाईली कॉइल्ड की अगर बात करें तो हो जाएगा इलियम, है ना। तो सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यानी ए का जो है वो थर्ड हो गया, बी का सेकेंड हो गया, ए का थर्ड, बी का सेकेंड एंड सी का 1, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय, यानी स्टमक की जो ड्यूडेनम में ओपनिंग है वो पाइलोरिक स्फिंक्चर जो है उससे रेगुलेटेड होती है, ये वाला स्फिंक्चर, तो आंसर हो जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्चर। नेक्स्ट है ए स्मॉल ब्लाइंड सेक, है ना, एक स्मॉल ब्लाइंड सेक है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके रिगार्डिंग पूछा कि ये कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो सीकम वाला पार्ट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला ही पार्ट है ना, तो आंसर हो जाएगा सीकम। एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात की जा रही है जो सीकम से ही अराइज होता है और वो अपेंडिक्स है। तो इसमें क्या पूछा है, ए नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम, कि वो जो प्रोजेक्शन अपेंडिक्स है वो किससे अराइज होता है, तो आंसर हो जाएगा सीकम। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा कि ट्रू फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर जो CO2 का उसके रेस्पेक्ट में, तो PCO2 इन एटमोस्फेरिक एयर इज हाईएस्ट, नहीं, एटमोस्फेरिक एयर में तो PCO2 जो है वो काफी कम होता है। PCO2 इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज सेम एज टिश्यू, बिल्कुल, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और जो टिश्यू है उसके अंदर सिमिलर PCO2 होता है, 45 mmHg, ये वाला ठीक स्टेटमेंट है। PCO2 इन ऑक्सीनेटेड ब्लड इज सेम एज टिश्यू, नहीं, ऑक्सीनेटेड ब्लड में PCO2 जो वो कम होगा, है ना, और टिश्यू के अंदर ज़्यादा होता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड में PCO2 का जो वैल्यू है वो 40 mmHg होता है और टिश्यू के अंदर 45, है ना, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। PCO2 इन एल्यूलाई इज हायर देन टिश्यू, नहीं, एल्यूलाई के अंदर टिश्यू के कंपेरिजन में कम होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सेकेंड, जो इसके अंदर पूछ भी रहा है करेक्ट ट्रू वाला, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट ऑप्शन अपने को देखना है, रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस, सही है। फिर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम फेरिक्स टू रेक्टम पोजेज 4 लेयर, नहीं, इस फेरिक्स की जगह यहां पर क्या आएगा, इसोफेगस, एनसीईआरटी की लाइन है, इसोफेगस से रेक्टम तक जो इसकी वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, उसके अंदर 4 लेयर होती है, सबसे बाहर आप लोग जानते हैं सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा था और ये सेकंड इनकरेक्ट हो गया, बाकी के कैसे करेक्ट है देख लेते हैं। सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल, सही है, सब म्यूकोसा में ये तीनों जो कंटेंट है वो मिलते हैं।
फिर म्यूकोसा फॉर्म इररेगुलर फोल्ड रगी है ना, ये स्टमक से रिलेटेड है, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग विलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो ये वाला भी इसके अंदर करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछ रहा था जो सेकेंड हो जाएगा। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये वाले क्वेश्चन के अंदर जो दिए। अगला क्वेश्चन ऑब्लिक मसल के लिए है, जीआईटी जो है या एलिमेंट्री कैनाल का जो मस्कुलरिस वाला पार्ट है उसके अंदर अगर देखें एडिशनल मसल ऑब्लिक तो वो स्टमक के अंदर होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपने को एलिमेंट्री कैनाल के लिए। ओके, द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई, बिल्कुल सही। फिर विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड वेरी स्मॉल लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। नहीं, ये वेरी स्मॉल की वजह से यहाँ पर रॉन्ग हो गया। एनसीईआरटी की लाइन है उसके अंदर लार्ज दे रखा है इसलिए वाला यहाँ पर रॉन्ग हो गया। फिर ऑल द फोर लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में अगर देखें तो चारों लेयर जो है वो मॉडिफिकेशन शो करती हैं। कहीं पर ब्रूनर ग्लैंड है, कहीं पर अगर इसोफेगस की बात करें स्टार्टिंग के अंदर तो स्केल्टन मसल मौजूद होती है। सिरोसा इनिशियल 1/3 पार्ट में नहीं होती है। फिर पेयर पेचेज की बात करें जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो अलग अलग पार्ट में ये चीज़ वेरी करती है। कहीं पे मस्कुलरिस के अंदर एडिशनल ऑब्लिक मसल है तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन होता है ना, तो ये भी ठीक है। फिर म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग पूछ रहा था जो सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके, ऑड वन देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम के रेस्पेक्ट में है ना। ऑड वन रिगार्डिंग या विद रेस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड। ओके, तो इट इंक्लूड सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज, बिल्कुल सही है। थ्री पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड ऑफ बगल कैविटी, ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो सही एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तीनों टाइप की सेलिवरी ग्लैंड जो ओरल कैविटी में नहीं है उसके जस्ट आउटसाइड है, हाँ उनकी डक्ट्स के थ्रू जो है वो कंटेंट ओरल कैविटी में रिलीज करती है। फिर लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg है ना, एनसीईआरटी की लाइन सही भी है। फिर देखें हेपेटिक लोब्यूल जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लीवर की इज कवर्ड बाई ए थिक की जगह यहाँ पे क्या होता थिन है ना, कनेक्टिव टिश्यू की एक थिन कवरिंग होती है। तो ऑड वन पूछा जा रहा था और यही ऑड वन आपका यहाँ पर हो जाएगा, फोर आंसर हो जाएगा। ओके, अगला जो है बाइल के रिलीजन, बाइल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है लीवर से रिलेटेड। तो बाइल सिक्रेटेड बाई हिपेटिक सेल्स पासिस थ्रू, तो उसके अंदर हो जाएगा हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट आप लोग जानते हैं कि राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, फिर सिस्टिक डक्ट, और फिर जो है वो कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलिडोकस जिसको अपन बोलते हैं। तो ए जो है उसकी जगह हो जाएगा हिपेटिक डक्ट। फिर एंड स्टोर्ड इन, ये STOI है ना, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर है ना, एक थिक मस्कुलर सेक गॉल ब्लैडर या थिन है ना, तो NCERT यहाँ पर थिन को यूज किया है तो थिक की वजह से ये वाला रॉन्ग हो गया। तो हिपेटिक डक्ट एंड बी की जगह हो जाएगा थिन मस्कुलर सेक गॉल ब्लैडर, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। सेलेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू फूड डाइजेशन मैकेनिज्म, फूड डाइजेशन की जो मैकेनिज्म है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन अपने को देखना है। ओके, इट इज अकम्प्लिश्ड बाई केमिकल प्रोसेस ओनली, नहीं केमिकल के साथ साथ ये जो है वो मैकेनिकल भी होता है ना, तो ये वाला जो है यहाँ पर गलत हो गया, अपने को करेक्ट देखना है। फिर अगला है बोलस इज कन्वेड इन टू इसोफेगस एंड देन इन टू फेरिक्स, नहीं ये उल्टा हो गया, इसोफेगस की जगह आता फेरिक्स और फेरिक्स की जगह आता इसोफेगस, तो इसलिए ये वाला भी गड़बड़ हो गया स्टेटमेंट। थर्ड देखें बोलस पासिस डाउन थ्रू द इसोफेगस बाई सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, लेकिन उसकी जगह क्या आ गया चर्निंग मूवमेंट जो स्टमक के अंदर होता है ना, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड देखें द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन ऑरल कैविटी बाई सेलिवरी एमाइलेज, ये इसके अंदर सही ऑप्शन है, ठीक है। ओके, स्टमक जो है उसकी हिस्टोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था और
म्यूकोसा के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके अंदर पूछा कितने टाइप की सेल्स होती है और क्या क्या उसका फंक्शन है ना। तो म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके, और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वो जो है तीन टाइप की सेल एनसीईआरटी ने वहां पर दे रखी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन के अंदर अपने को उनको फंक्शन के साथ जो है मैच करते हुए देख रहे हैं। तो म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती है, सही है। पेप्टिक सेल सिक्रेट पेप्सिनोजन, ये भी सही है। लेकिन पेप्टिक सेल और चीप सेल तो एक ही है ना, इसका मतलब ये HCl से रिलेटेड नहीं है। HCl से रिलेटेड तो आपकी ऑक्सेंटिक सेल होगी या पेराइटल सेल होगी, है ना। तो ये वाला जो है यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ये देखें, पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल HCl का सिक्रेशन करती है, और आप लोग जानते हैं वही सेल जो इंट्रेंसिक फैक्टर का भी सिक्रेशन करती है। फिर नेक सेल जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, सही है। और चीप सेल जो है वो पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है, ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है ना। तो थर्ड आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लीवर किस तरीके से फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है? लीवर किसी टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता है। हाँ, एंजाइम जरूर बनते हैं लेकिन वो बाइल के अंदर नहीं होते, और वो नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से लीवर काफ़ी सारे टास्क कर सकता है ना। तो लीवर फैट के डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? तो लीवर जो है वो बाइल का फॉर्मेशन करता है, और बाइल के अंदर कई कंपोनेंट हैं जिसमें जो बाइल सॉल्ट्स हैं और जो फॉस्फोलिपिड हैं वो फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ता है और सरफेस टेंशन कम होता है ना। और उसके बाद में लाइपेज वर्क करता है जो पेनक्रियाज वाला होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइपेज है ना। तो हिपेटिक सिक्रेशन कंटेन बाइल सॉल्ट विच इमल्सिफाई फैट, बिल्कुल यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के गलत क्यों है? हिपेटिक सिक्रेशन कंटेन लाइपेज, नहीं, लाइपेज नहीं होता उसके अंदर, ये पेनक्रियाज का कंटेंट है। बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ फैट थ्रू इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, नहीं, इसके अंदर किसी टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। हिपेटिक बाइल सॉल्ट इंक्रीज द सरफेस टेंशन, नहीं, ये इंक्रीज की जगह क्या होगा? डिक्रीज होगा, सरफेस टेंशन को कम करता है और सरफेस एरिया को बढ़ाता है, है ना। तो ये वाला भी यहां पर रॉन्ग हो गया, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, एंजाइटी और एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड, है ना, दोनों की वजह से आप लोग जानते हैं इनडाइजेशन होता है, और भी इसके अंदर अलग कोज भी उसके अंदर एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ओके, फ्रक्टोज के एब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है। फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होता है, और उसके अंदर जो ग्लूट 5 एपिकल सरफेस एंड ग्लूट 2 बेसल सरफेस भी हेल्प करता है। तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है उस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके, अब रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो आप लोग जानते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल दोनों के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्सफुल एक्सेलेशन होता है ना। तो वही ऑप्शन अपने को इसमें देखना है, व्हेन फोर्सफुल एक्सप्रेशन अकर, है ना। तो बाकी ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, ट्रू अपने को देखना है किसके लिए? कंडक्टिंग पाथ के लिए, कंडक्टिंग पाथ के फंक्शन से रिलेटेड। ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमोस्फेरिक एयर इनटू एल्वियोली, बिल्कुल सही है। इट क्लियर द फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम इनहेल्ड एयर, हाँ, ये एयर को फिल्टर करता है, तो ये वाला भी सही है। फिर उसके अंदर मॉइस्चर भी ऐड करता है, तो ये वाला भी सही है ना। और उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाता है, और डिफ्यूजन वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो नॉन रेस्पिरेटरी पार्ट है, गैसीय सेक्शंस वहाँ पर नहीं होता। तो ए बी एंड सी, तो आंसर हो जाएगा 4। ओके, इंस्पिरेटरी इंस्पिरेशन प्रोसेस जो है कब होती है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। तो इंस्पिरेशन प्रोसेस अकर ड्यू टू, इंस्पिरेशन कब होता है आप लोग जानते हैं कि जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और ये डायफ्राम वाली मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, इससे पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, और इससे वॉल्यूम बढ़ने से अंदर प्रेशर डिक्रीज होता है, और इससे बाहर हाई प्रेशर से अंदर की तरफ लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होता है ना। तो इससे ऐसा ही क्वेश्चन अपने ऐसा ही ऑप्शन इसके अंदर अपने को फाइंड आउट करना है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बिल्कुल सही है ना। तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, है ना, इसलिए गलत हो गया। रिलैक्सेशन नहीं, केवल कॉन्ट्रेक्शन की बात करेंगे इसमें। और कॉन्ट्रेक्शन भी कौन सा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम वाला। अगला क्वेश्चन, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी से रिलेटेड है। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 1000 से 1100 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो 2500 से 3000, और आरवी की बात करें तो वो 1100 से 1200 ml होता है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ठीक है।
ओके ऑड वन देखना है, और ऑड वन यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि इसमें हो सकता है कोई तीन हार्मोन हो, एक एंजाइम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि तीन एंजाइम हो, एक हार्मोन हो। देखते हैं कौन सा है। गैस्ट्रिन हार्मोन है, सिक्रेटिन हार्मोन है, एंटेरोक्राइनिन हार्मोन है, और तीनों ही जीआईटी से रिलेटेड हार्मोन है, लेकिन ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, इसलिए ये ऑड वन हो गया, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके हर एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन की क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर चार आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं पोरफायरिन रिंग के अंदर, और हर एक जो ग्लोबिन हीम के साथ मिलके एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है उसको अपने साथ जोड़ता है, यानी हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चार मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन के चार एटम का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर देखें फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, एंड एट ऑक्सीजन एटम, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बोट वन एंड थ्री। ओके 1000 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर O2 टू टिश्यू। देखो कि 100 ml जो ब्लड है, 100 ml ब्लड जिसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन है, उसमें से केवल 5 ml ऑक्सीजन को वो टिश्यू की तरफ अनलोड करता है। इसका मतलब 1000 ml कितना करेगा, तो इनटू 10 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 50 ml, और ये भी कब, जब व्यक्ति, जब पर्सन रेस्टिंग कंडीशन में होता है। ओके हायर P50 वैल्यू की बात की जा रही है। आप लोग जानते हैं कि जब भी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा इस तरफ, तो उस दौरान ये, इसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट है ना, और ये टिश्यू के पास में होता है, और ये तब होता है जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और जब भी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो P50 वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है, और P50 वैल्यू इंक्रीज होती है इसका मतलब है ऑक्सीजन की अनलोडिंग जो है वो ज़्यादा होगी, और जब भी ये कर्व जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। P50 वैल्यू ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिसपे हीमोग्लोबिन जो है वो 50% सेचुरेटेड हो जाए, तो अगर ये कर्व राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इससे हीमोग्लोबिन जो है उसको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा 50% ऑक्सीजन के साथ सेचुरेटेड होने में, है ना, और टिश्यू के पास डिमांड ज़्यादा, इसलिए एक ज़्यादा वैल्यू जब आएगी PO2 की तब जाके हीमोग्लोबिन 50% ऑक्सीजन के लिए सेचुरेटेड हो पाता है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही ऑप्शन अपने को इसके अंदर देखना है कि ये हायर P50 वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करिए, हायर द एफिनिटी, नहीं, एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन की कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन के लिए, फिर लोअर द एफिनिटी ऑफ O2 टुवर्ड्स HB, ये इसके अंदर परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स स्टेट ऑफ डायफ्राम। ओके डायफ्राम की रिलैक्स स्टेट है यानी ये वाली, तो ये कैसी होगी, डोम शेप्ड, और कॉन्ट्रैक्टेड अगर है तो फ्लैट हो जाएगी। सॉरी NCERT का स्टेटमेंट है, और वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कार्ड, तो ये सॉरी गिल्स की बात की जा रही है, और ये एक्वेटिक जो एनिमल हैं जैसे ऑर्थोपोड्स एंड मॉलस्क यूज करते हैं, और एक वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसका यूज किया जा रहा है टेरिस्ट्रियल फॉर्म, तो हो जाएगी लंग्स, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके तो ये कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए से रिलेटेड थे, अब हम लोग बी की बात कर लेते हैं। ओके तो अगला जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पाथ इज नॉट सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग, है ना, हाइलाइन कार्टिलेज से रिलेटेड जो रिंग्स थी, तो आप लोग जानते हैं कि NCERT लिखा है कि ये इनिशियल ब्रोंक्यूल जो है वहाँ तक मौजूद होता है ना, तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में है, ट्रेकिया टर्शियरी ब्रोंकाई में भी है, इनिशियल ब्रोंक्यूल में भी है, लेकिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर वो नहीं है ना, तो ओनली सी जो है वो हो जाएगा। इसमें ये पूछा है कि कौन सा सपोर्टेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा रहा है, दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही है, हम लोग है ना इंक्रीज्ड CO2 जो है उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव है कंपेयर टू डिक्रीजिंग PO2, है ना, तो उस ऑक्सीजन का रोल यहाँ पर काफ़ी कम है, NCERT का स्टेटमेंट है, तो ये वाला सही है। न्यूमोटेक्सिक सेंटर की बात की जा रही है जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इनहिबिट करता है जिससे जो इंस्पिरेशन है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है, ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा वन।
ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किन पे डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पार्शियल प्रेशर जो है गैसेज का, उन पे भी डिपेंड करता है, हाई प्रेशर से लो की तरफ डिफ्यूज होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, और आप लोग जानते हैं कि CO2 ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 से 25 टाइम ज़्यादा सॉल्युबल है। इसका मतलब 20 से 25 टाइम ज़्यादा उसका डिफ्यूजन हो पाएगा। फिर थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन सरफेस, ये भी इसके अंदर हो जाएगा, जितनी कम थिकनेस होगी उतना तेजी से डिफ्यूजन होगा, तभी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। तो तीनों ही ऑप्शन जो है उन पे ये डिपेंड कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन जो है वो रेस्पिरेशन की सीक्वेंस से रिलेटेड है, और इसमें अपने को करेक्ट ऑर्डर जो उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये वाला देखें कि एटमोस्फेरिक एयर ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर इज रिलीज आउट, यानी वेंटिलेशन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हो जाएगा सेकेंड, तो सबसे पहले सेकेंड इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, इसको हटा देते हैं अपन। ओके, उसके बाद में गैसों का अंदर आने के बाद में डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्यूलर मेम्ब्रेन, है ना। तो इसको अपन ले लेंगे सेकेंड के अंदर, तो ये थर्ड हो गया अपना, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला यहाँ पर आउट कर देते हैं। उसके बाद जब डिफ्यूजन होगा तो फिर एल्यूलाई से उन गैसों का ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, तो इसके बाद यानी ये थर्ड पे आ जाएगा, फर्स्ट वाला इसमें भी आ रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट के बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, है ना, ये वाला हो जाएगा। तो यानी इसको ले लेंगे फोर पे, यानी ये आ गया आपका, इसमें तो ये सिक्स दे दिया, ये वाला देखो ये वाला यहाँ पे आ गया, और लास्ट में जो है उसका सेल्स के द्वारा यूटिलाइजेशन होगा, तो ये फोर्थ आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन था ये एल्यूलाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसकी लेबलिंग जो है उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसके अंदर सिंपल स्क्वेमस वाला एरिया है ना। तो आप लोग देखें ये न्यूमोसाइट है, टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट, और ये भी सिंपल स्क्वेमस है, और ये एंडोथीलियम है, और ये भी सिंपल स्क्वेमस है, तो बी एंड सी, बी एंड सी थर्ड आंसर हो जाएगा। ट्रेकिया किस लेवल पे आके प्राइमरी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होती है, और आप लोग जानते हैं फिफ्थ जो थोरेसिस वर्टिब्रा है उसके लेवल में आके ये डिवाइड हो जाती है। ओके, करेक्ट ऑप्शन अपने को देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, किसके पार्शियल प्रेशर ऑफ पोर्टो, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप लोग देखें सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, PO2 सबसे ज्यादा एल्यूलाई, ये वाला एल्यूलाई, यानी सेकेंड को सबसे पहले रखेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले एल्यूलाई, एल्यूलाई के बाद में अगर देखें तो यहाँ पर टिश्यू नहीं, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी नहीं, उसमें तो इम्प्योर होता है, ब्लड ऑफ सिस्टमिक सिस्टेमिक आर्टरी, ये वाला हो जाएगा ना, तो फोर्थ, फोर्थ। और उसके बाद में अगर देखें तो कौन से बच गए, टिश्यू एंड ब्लड ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और दोनों ही जगह पे PO2 फोर्टी फोर्टी है, इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ये तो इक्वल हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। सॉल्युबिलिटी अभी बताया था, O2 के कंपैरिजन में CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है ना, सिंपल सा था। ओके, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके, है ना, टाइडल वॉल्यूम के अलावा, तो वो ERV की बात की जा रही है, ERV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल, सॉरी इंस्पिरेशन की बात हो रही है ना, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो वो हो जाएगा IRV। ठीक है, ओके। अब अपने को इसके अंदर सेल एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है जो फॉल्स नहीं है, यानी अपने को क्या देखना है, ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू डायरेक्टली, नहीं इनडायरेक्टली, इंसाइड लिखा है इनडायरेक्टली, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया। ग्लूकोज या जो अदर न्यूट्रिएंट है उनके ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फेरिक एयर विद CO2 प्रोड्यूस बाई सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, नहीं इसकी जगह क्या आना था, ब्रीदिंग, एंड कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो ये तो यहाँ आना था और ये वाला यहाँ आना था, NCERT की लाइन है, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल
डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर स्ट्रक्चर भी चेंज होती है और मैकेनिज्म भी, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है एनसीईआरटी का ये। एंड वी कैन नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, ये एडिशनल मसल जो है उनको यूज करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं ना। तो कैन नॉट की वजह से ये वाला रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट पूछा था तो अपना करेक्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थोरेसिस केज के लिए बात की जा रही है, जिसके अंदर आप लोग जानते हैं कि अगर वेंट्रली बात करें तो स्टर्नम, रिब्स, है ना, और डोर्सली बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी थोरेसिस जो वर्टिब्रा है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो रिब्स एंड स्टर्नम ठीक है, रिब्स स्टर्नम थोरेसिस वर्टिब्रा ये वाला परफेक्ट हो गया, रिब्स स्टर्नम लंबर वर्टिब्रा नहीं ये वाला गलत हो गया, रिब्स थोरेसिस वर्टिब्रा दो दे दिए ना, लेकिन स्टर्नम को भी लेना है। जैसे यहाँ पर स्टर्नम आ गया, यहाँ पे थोरेसिस वर्टिब्रा आ गया, लेकिन इसके अंदर तीनों आ गए, तो अगर इसको मार्क करेंगे तो पहला और चौथा अपने आप सही हो जाए, तो सही हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पर आंसर कौन सा ले लेंगे, सेकेंड। ओके, यहाँ पर अपने को गैसों के ट्रांसपोर्ट के लिए गलत स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ओके, देख लेते हैं। अबाउट 97% ऑफ टू इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी इन ब्लड, सही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। 3% ऑफ O2 डिजोल्व स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, ये भी सही है। 20-25% CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है वो आरबीसी के थ्रू होता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, सही है, 7% प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के होता है, है ना, और 70% के आसपास वो बाइकार्ब की फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन डिजोल्व स्टेट, है ना, ये गलत हो गया, इसकी जगह 7% होता तब ज़्यादा सही होता। तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, वो 4 आंसर हो जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कई फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, लेकिन प्राइमरी अगर देखें तो मेनली उसके अंदर डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, ओके, एंजाइम एंटेरोकाइनेज की बात की जा रही है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये डायरेक्टली फूड डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, और ये पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और इसके अकॉर्डिंग ये आगे फिर प्रोटीन डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। और 150 देख लें, विच पार्ट ऑफ बॉडी सिक्रेट द हार्मोन सिक्रेटिन, सिक्रेटिन की बात की जा रही है, और सिक्रेटिन जो है वो ड्यूडेनम से रिलीज होने वाला हार्मोन है। ओके, तो ये कुछ अपने जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और डाउट अगर रहे भी हैं तो वो क्लियर हुए होंगे, फिर भी एक बार एनसीईआरटी में आप लोग वापस देखें कि कहाँ पर स्टेटमेंट को चेंज किया गया है। ओके, मिलते हैं फिर आगे, बेस्ट ऑफ लक।